यूक्रेन का स्ट्रैटेजिक ड्रोन हमला हुआ है। रूसी रडार पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला, 14 किलोमीटर रेंज वाला रूसी रडार नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। कैप्टन श्याम, क्या जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है क्या? अब पहले तो मैं बात करूंगा ड्रोन्स अटैक की। देखिए, किर्च की बात कर रहे थे आप, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और सी ड्रोन्स और ये एयर ड्रोन्स दोनों का इस्तेमाल आपने अभी जिक्र किया है। 3 सी ड्रोन्स को उन्होंने मारा है और ये एयर ड्रोन्स को उन्होंने अपने एयर स्पेस से वापस किया हेलीकॉप्टर के द्वारा। बिल्कुल, तो ड्रोन्स के द्वारा जो स्पेसिफिक टारगेट अटैक्स होते हैं, एयर वॉरफेयर और नेवल वॉरफेयर, देखिए आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, जो लोकल भारत हो रही है लैंड फोर्सेस के साथ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का अटैक हो रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, पर एयर पावर की जो एक्चुअल लड़ाई जब होती है तो नेवल वॉरफेयर और एयर वॉरफेयर की बहुत जरूरत पड़ती है, उसकी कहीं ज्यादा जिक्र आप इस बारे में नहीं कर पा रहे हैं। 3 ड्रोन्स को मारा, लेकिन सी ब्रिज किर्च के ऊपर जो पुतिन का सम्मान है, ब्रिज उनका आन है, उन्होंने उसके ऊपर बूम्स बैरियर्स नहीं सबमर्सिबल्स लगाए हैं। ठीक है कैप्टन श्याम, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है बेलगोरोद से है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन हमला किया। आप देखिए रूस के अंदर फिर से ड्रोन हमला हुआ है। रूसी इलाके में 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है। दोनों ड्रोन को शूट करने का रूस का वीडियो भी सामने आया है। बेलगोरोद के गवर्नर ने इस बारे में जानकारी दी है। बेलगोरोद पर हमले से गुस्से में है काफी रूस। प्रोफेसर अमिताभ, ये बड़ी खबर तो है ही, लेकिन चिंता जनक खबर इस बात को लेकर भी, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं और जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध अपने निर्णायक डिसाइसिव फेज पर है। देखिए, युद्ध अपने निर्णायक स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं है, ये अगले के 1.5 महीने का ट्रेलर हम देख रहे हैं। अगले 1.5 महीने जब तक ठंड शुरू नहीं हो जाती, और ये आइडियल कंडीशंस है लैंड वॉरफेयर का, जो सब एक्सेप्ट करते हैं। इसमें होगा क्या कि मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ड्रोन अटैक्स कर सकें, मिसाइल अटैक्स कर सकें, उनको यूक्रेन करना चाहेगा। और यूक्रेन ने अपनी टैक्टिक्स भी बदल दी है। यूक्रेन खुद होम ग्रोन मिसाइल और ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए ब्रिटेन से भी सपोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि अब यूक्रेन अगले गियर में जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल अगले 1.5 से 2 महीने तक जितनी भी टेरिटरी कैप्चर कर सके और उनके जो लाइन है उनको भेद सके। उसके बाद ये नेगोशिएशंस की बात आई तो आई, लेकिन अभी तो नेगोशिएशंस पूरी तरह से टैबू है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो उस अगले 1.5 महीने तक हम ये देखेंगे, और ये और तीव्र होंगे। सिर्फ कुर्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग और पेस्कोव जैसे जगह ही नहीं होंगे, ये और पूरे स्प्रेड आउट करेंगे पूरे रूस में कि वहां के लोगों का रिएक्शन कैसा। बात आप कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं यहां तक सीमित रहने वाले नहीं है, ये पूरे रूस में स्प्रेड करेंगे। रूस में यूक्रेन के 5 बड़े टारगेट्स, अब उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, रूस के अंदर टारगेट्स कई हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जो 5 बड़े टारगेट्स हैं यूक्रेन के, वो कौन कौन से हैं, ये हम आपको इंफॉर्मेशन बॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, ये तमाम टारगेट्स हैं। मॉस्को में हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं, और क्रीमिया का भी हमने जिक्र किया। क्रीमिया के ब्रिज को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यानी ये 5 बड़े टारगेट्स यूक्रेन के नजर आते हैं।